प्रोविंशियल आर्मेड कॉन्स्टेबलरी, जी यही है वो सेना जिसे आप पीएसी के नाम से जानते हैं। इसी पीएसी के 16 जवानों को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा दी गई। इन पर 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में 42 मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम था। आसान भाषा में आज हम बात करेंगे इसी हाशिमपुरा हत्याकांड के बारे में। सवाल नंबर एक, क्या है हाशिमपुरा कांड? ये हत्याकांड है 22-23 मई 1987 की रात का। साल 1986 में बाबरी मस्जिद के दरवाजे से ताले हटा दिए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में टेंशन बढ़ी। अप्रैल 1987 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की एक रैली में भड़काऊ भाषणों के बाद सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति बन गई। इसी माहौल के बीच मेरठ में जमीन के झगड़े में एक हिंदू की मौत हो गई। मामला हिंदू बनाम मुसलमान हो गया। मुस्लिम लोगों और पुलिस के बीच हुई पहली झड़प ने बड़े दंगे का रूप ले लिया। इन दंगों को रोकने के लिए पीएसी की 60 टुकड़ियां और आर्मी के जवानों को बुलाया गया था। इस दौरान कई जगहों पर तलाशी अभियान भी हुए। 22 मई 1987 की दोपहर हाशिमपुरा में ऐसा ही एक तलाशी अभियान शुरू हुआ। इस अभियान का खाका आर्मी ने तैयार किया था और उनकी सहायता के लिए पीएसी के जवान भी मौजूद थे। गलियों में लोगों की परेड हो रही थी, लोगों को मारा पीटा भी जा रहा था। इसी तलाशी के दौरान पीएसी के एक ट्रक में कुछ लोगों को भरकर ले जाया जाने लगा। लोगों को लगा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। हाशिमपुरा से ट्रक चल पड़ा, लेकिन मकनपुरा पहुंचने से लगभग घंटे भर पहले मुरादपुर थाना क्षेत्र में ट्रक को नहर किनारे पटरियों पर चढ़ा दिया गया। ट्रक रुका और लोगों को नीचे उतारा जाने लगा। आधे ही लोग उतरे थे कि उन पर पीएसी के जवानों ने गोलियां बरसाने शुरू कर दी। अंदर वाले लोग अंदर ही दुबके रह गए। गोलियों की आवाज अगल बगल के गांव में पहुंची तो लोग निकलकर आगे आने लगे। आपाधापी में ट्रक को तुरंत ही बैक किया गया और गाजियाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। वहां मकनपुर की एक नहर के किनारे फिर से ट्रक रोका गया और पीएसी के जवान पिछली बार की तरह लोगों को नीचे उतारने लगे। कुछ लोगों ने जब नीचे उतरने से मना कर दिया तो उन्हें गाड़ी में ही गोलियां मारी गईं और फिर नीचे फेंक दिया गया। सभी लोगों पर गोलियां बरसाकर ट्रक गाजियाबाद की ओर निकल गया। ये सारी कहानी बाबूदीन नाम के एक व्यक्ति ने बताई थी जो कि उस रोज उस ट्रक में मौजूद था और किस्मत से जिंदा बच गया। उस पर गोली चली थी लेकिन वो उसे बस छू कर निकली। विभूति नारायण राय, उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस ऑफिसर, उस रात मकनपुर वाली नहर पर पहुंचने वाले पहले अफसर थे। वो साल 1987 में गाजियाबाद के एसपी थे। लाशों के बीच उन्हें ही बाबूदीन जिंदा मिला था। सवाल नंबर दो, इस केस में क्या फैसला आया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें 16 पीएसी के जवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे पहले साल 2015 के मार्च महीने में इन सभी को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने बरी कर दिया था। उस वक्त कुल 19 जवान बरी हुए थे और कोर्ट ने कहा था कि मौतें हुई तो हैं, लेकिन यकीन से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पीएसी के इन्हीं जवानों ने हत्या की है। 3 साल में 3 जवानों की मौत हो गई और बचे 16 को अब सजा हुई है। अगला सवाल, साल 2015 में जवानों के बरी होने के बाद क्या हुआ? जवाब, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 30,000 कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। मई 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। सजा मिलने के रास्ते में जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई वो थी जनरल डायरी, जिसे कामकाज की भाषा में जीडी कहा जाता है। ये डायरी पिछले 31 सालों से सामने नहीं आई थी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सलाहकार वृंदा ग्रोवर ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी सामने ही नहीं ला रही थी, लेकिन फिर जब हाईकोर्ट ने प्रेशर डाला तो सभी के सामने ये ओरिजिनल डायरी आई। अभी तक हमें बस इसकी एक फोटोकॉपी पकड़ाई जा रही थी। आखिरी सवाल, डायरी ने केस का रुख कैसे बदला? जवाब, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लगातार ये कहता आ रहा था कि मामले की जांच करने वाली सीबीसीआईडी केस से जुड़े अहम सबूतों को दबाए बैठी है। एनएचआरसी ने अदालत से घटना के दिन उस पीएससी की टुकड़ी के ड्यूटी रजिस्टर, लॉग बुक्स और वो सभी कागजात जिसमें ड्यूटी रोस्टर और पोस्टिंग से जुड़ी जानकारियां हों मंगवाए जाने की बात कही। ये टुकड़ी थी प्लाटून कमांडर सूबेदार सुरेंद्र पाल सिंह के अंडर में 41वीं बटालियन की सी कंपनी और दिन था 22 मई 1987। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि उन्हें ये क्लियर नहीं है कि हत्याएं उन्हीं जवानों ने की हैं जिन पर इल्जाम लगे हैं।
लेकिन डायरी सामने आते ही ये साफ हो गया कि मरने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर URU1493 वाले जिस पीले ट्रक में ले जाया गया था, 19 आरोपी जवान उसी ट्रक में मौजूद थे। देर से ही सही देश के नागरिकों को न्याय मिला।